आज शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी। मगर शिवसेना की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधानसभा में विधायक दल का नेता चुना गया। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वर्ली से चुनाव जीते आदित्य ठाकरे को ये पद मिल सकता है। आपको बता दें कि बुधवार को ही भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल के नेता के लिए आदित्य ठाकरे ने ही एकनाथ शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा था। पार्टी ने इसके अलावा सुनील प्रभु को विधानसभा के चीफ व्हिप चुना। तो आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से माना ऐसा जा रहा था कि कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, मगर जो विधायक दल की बैठक शिवसेना की हुई है उसमें ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उम्मीद और कयास आ रही इस बात की थी कि आदित्य ठाकरे विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांगें चल रही थी। लेकिन आखिर में खुद ही आदित्य ठाकरे ने विधायक दल के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे का नाम प्रस्तावित किया और फिर उस पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। तो विधायक दल की बैठक में आज ये फैसला तो हो गया, आदित्य ठाकरे ने एकनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा और यह पूरी औपचारिकता निभाई गई। मगर जो मसला अटका हुआ है उसका समाधान क्या है, यानी कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में मुख्यमंत्री होगा कौन? दल के नेता के तौर पे एकनाथ शिंदे जी चुन लिए गए हैं। हम शिंदे जी सबसे पहले बताइए, और अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हालांकि आप सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ गई, और अब आपकी भूमिका क्या होगी? मैं उद्धव साहब को धन्यवाद देता हूँ, आदित्य जी को धन्यवाद देता हूँ। विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव खुद आदित्य साहब ने रखा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, जो विश्वास पार्टी ने जताया है उसे कायम रखने की कोशिश मुझे करनी है। हमारे सभी जितने भी शिवसेना के विधायक हैं उनको साथ में लेकर, विश्वास में लेके सदन का कामकाज हम करेंगे। सदन का डेकोरम होगा, सदन की गरिमा होगी, उसे कायम बनाए रखने की कोशिश हम करेंगे। और इस सर्वोच्च सदन में महाराष्ट्र की तमाम जनता के जो सवाल है, समस्या है, जो प्रश्न है, उसे न्याय देने का काम शिवसेना के सभी विधायक करेंगे। देखिए, शिवसेना शुरू से ही भूमि पुत्रों के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए काम करती रही है, इस बार आपकी प्राथमिकता की होगी, क्या होगी? भूमि पुत्रों को न्याय देने का काम हमेशा शिवसेना ने किया है, किसानों को न्याय देने का काम शिवसेना ने किया है, महिलाओं को न्याय देने का काम शिवसेना ने किया है। इसलिए शिवसेना सरकार में हो या ना हो, सरकार शिवसेना लोगों के साथ रहती है, यह आप लोगों ने देखा है, चाहे रास्ते पे हो या चाहे सदन में हो। इसलिए शिवसेना पूरी तरह लोगों के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, मेरे दो सवाल है सिर्फ शिंदे जी, ये बताइए कि अब बहुत अच्छा मौका है कि आप सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री आपका हो सकता है। इसके बारे में मैंने अभी कहा है कि पूरे अधिकार जो है ये सरकार बनाने के पूरे अधिकार जो है, निर्णय जो है, वो उद्धव ठाकरे साहब को हम लोगों ने अधिकार दिए हुए हैं। इसलिए सरकार बनाने के लिए जो भी निर्णय लेना है उद्धव ठाकरे साहब। अच्छा, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं आपके नेतृत्व में, इसके पीछे कारण क्या है, कुछ बताएं जनता को? अभी राज्यपाल जी को मिलने के बाद उसकी जानकारी आपको। एकनाथ शिंदे जो कि सीनियर लीडर हैं और यहाँ पर विधायक दल के नेता चुने गए हैं, शिवसेना का ये मुख्यालय है जहाँ पर आदित्य ठाकरे ने स्वयं उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और वो नेता चुने गए, जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन राज्यपाल से मिलने का कारण क्या है और इनका रुख क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर शिवसेना सरकार बनाएगी? अभी तक रुख साफ नहीं है, हमें थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हम खबरें आपको ताज़ा बताते रहेंगे। मुंबई से संजय प्रभाकर, R9 TV के लिए।